हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे नेचुरल वाइब्रेशन में हमने पढ़ लिया था नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, कौन सा वाइब्रेशन नेचुरल वाइब्रेशन है, कौन सा वाइब्रेशन डैम्प्ड वाइब्रेशन है, कौन सा वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन है। तो हमने ये सब चीज़ देख ली थी। उसके बाद हमने देखा था नेचुरल वाइब्रेशन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, मास एंड स्टिफनेस। उसके बाद हमने देखा था नेचुरल वाइब्रेशन की सिस्टम इक्वेशन क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। उसके बाद हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फेज डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं हम फेज डायग्राम, ये सब चीज़ देख ली थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेचुरल वाइब्रेशन हमारा अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो काफ़ी वैरायटी देखनी बाकी है। अभी तो हमने जस्ट देखा है कि नेचुरल वाइब्रेशन की सिस्टम इक्वेशन क्या होती है। अब हम उससे पहले कि नेचुरल वाइब्रेशन में और अंदर जाएं, हम देख लेते हैं कि डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स को कैसे कंबाइन करें हम, हमारे पास क्या है नेचुरल वाइब्रेशन में, या तो मास होता है या तो स्टिफनेस होती है, या तो हमारे पास मास होता है या तो हमारे पास स्टिफनेस होती है। अब मास को तो कंबाइन करके देगा नहीं भाई, मास एक बॉडी दे दी एम की, या फिर मास ठीक है वो सिंपल टर्म्स हो जाता है, बट कई बार क्या है कि स्प्रिंग्स को वो कॉम्प्लिकेटेड करके देता है। ये वन स्प्रिंग, ये टू स्प्रिंग, S1 S2, या फिर ये एक स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग, ये सीलिंग अपनी, यहाँ पे मास एम लगा दिया, भाई बताओ S1, ये S2, बताओ अब नेट S क्या होगा, या फिर S भी नहीं पूछता, वो बोलता है बताओ नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी के लिए आपको √S/m लगाना पड़ेगा, √S/m लगाने के लिए आपको S की वैल्यू पता होनी चाहिए, m की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो m तो पता है, बट S की वैल्यू यहाँ पे S इक्विवेलेंट के बराबर आएगी, वो तो आपको पता ही नहीं है, तो वो कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ये उसी तरह से जैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हमने क्लास 12th में 11th में पढ़ा था, तो वही है ये एक तरह से, ठीक है। तो अब हम इसमें प्रूफ वगैरह में नहीं जा रहे हैं भाई कि कैसे हम प्रूफ करें कि ये होता है। आप उसको कर सकते हैं F=KX, तो यदि एक बार क्या होगा F=F1+F2, एक बार क्या होगा X=X1+S2, तो आप देख सकते हैं उससे और आप प्रूफ कर सकते हैं, बट हम सीधे रिजल्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज़ में क्या होता है, जब वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अनदर एंड ऑफ स्प्रिंग, एंड पैरेलल में क्या होता है, जब बोथ एंड ऑफ स्प्रिंग आर कनेक्टेड टू मास, या फिर मास इज कनेक्टेड टू बोथ द स्प्रिंग, तो वो हम बोलेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, एंड मास इज कनेक्टेड टू ओनली वन स्प्रिंग, तो हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट स्टिफनेस एस इक्विवेलेंट को लिखते हैं, 1/S=1/S1+1/S2, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम एस इक्विवेलेंट को लिखते हैं S1+S2। समझ में आया, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हम लिखते हैं 1/S=1/S1+1/S2, एंड जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम लिखते हैं S=S1+S2। यदि याद ना रहे, लगे कि हम कभी भूल जाएंगे, तो आप याद कर लो, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था उसमें हम उल्टा करते थे, जो सीरीज में होता था उसको R=R1+R2+R3 लिखते थे, जो पैरेलल में होता था उसको 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 लिखते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोच लेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से उल्टा होता है, मतलब सीरीज़ में 1/S=1/S1+1/S2, एंड पैरेलल में S=S1+S2। तो इसमें क्वेश्चन देने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। सपोज 2 and 2, व्हाट्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम, ωn=√S/m। तो एस इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1/S=1/2+1/2, दैट इज 1। तो हमारे पास S इक्विवेलेंट आ गया 1, तो हम लिख सकते हैं 1/4, दैट इज 1/2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, सिमिलरली सीरीज में भी कर सकते हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ही हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। दूसरी ऐसी ही सिमिलर चीज़ आती है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। सपोज किसी ने हमको दे दिया, सपोज हमको किसी ने दे दिया कि ये स्प्रिंग थी स्टिफनेस एस,
यदि हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, S1 एंड S2, याद रखें ये इस स्प्रिंग के दो भाग हैं, अलग से कोई दो स्प्रिंग नहीं है, इस स्प्रिंग के दो भाग कर दिए हमने, तो S1 और S2 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ S। तो हमको ये नहीं करना कि S1 प्लस S2 इक्वल्स टू S, तो S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S/2, ये वाहियात चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका फॉर्मूला होता है, सपोज़ कोई स्प्रिंग है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया M/N, तो इस वाले पार्ट की स्टिफनेस होगी M+N डिवाइडेड बाय M × S, M+N डिवाइडेड बाय N × S। समझ में आया, इनवर्स रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने MN 1:1 में डिवाइड करा, 1:1, तो 1:1 में डिवाइड करा तो M=1, N=1, ठीक है। तो M+N 2y1 × s 2s 2y1 × s 2s। सिमिलरली एक स्प्रिंग थी, उसको सात बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो हर एक का इक्विवेलेंट, हर एक का स्ट्रिंग कोफिशिएंट, हर एक का स्टिफनेस क्या हो जाएगा, 7s 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 7s। कहने की बात ये है कि ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जब हम स्प्रिंग को M/N रेशो में डिवाइड करते हैं तो स्प्रिंग स्टिफनेस क्या होती है, M+N डिवाइड बाई M × S, M+N डिवाइडेड बाई N × S। तो आई होप ये समझ में आया, और अब कभी भी स्प्रिंग कटिंग का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल चलो ले ही लेते हैं, हम 2:3 में कर दिया हमने डिवाइड, तो 2+3 डिवाइड बाई 2, 5/2s, 2+3 डिवाइड बाई 3, 5/3s। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम कटिंग ऑफ स्प्रिंग में इस तरह से स्प्रिंग स्टिफनेस निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमारी बात हो गई जनरल टॉक, मतलब जनरल टॉक से हमारा मतलब क्या है कि हम कोई भी सिस्टम दिया तो उसका इक्विवेलेंट S, इक्विवेलेंट M कैसे निकालते हैं। यदि ये आ गया और सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, एक मास का एक स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें हम ओमेगा N लिख देते हैं √S/M, समझे कि नहीं। तो यदि हमको इतना सब दिया हो तो हम आसानी से कर सकते हैं, बट कई बार क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है, तो जनरली हमसे इन सब चीज़ों से नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम चार मेथड पढ़ने वाले हैं, चार मेथड, कौन कौन से मेथड, फर्स्ट वन इज फोर्स मेथड, अल्टीमेटली हमको निकालना वही है, अल्टीमेटली हमको निकालना नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड, टॉर्क मेथड, स्टैटिक डिफ्लेक्शन मेथड, अब नाम सुन के लग रहा होगा भाई क्या तोप चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्स मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको पता भी नहीं लगा हमने फोर्स मेथड कब ख़त्म कर दिया। फोर्स मेथड वही था, हम कोई भी बॉडी दी है उसका FED बनाते हैं, भाई ऊपर SX फोर्स लग रहा है, इधर हमने एक्सेशन मान लिया तो MA=SX=0, तो ये फोर्स मेथड हो गया। अब हमको तीन मेथड और पढ़ने हैं, एनर्जी मेथड, टॉर्क मेथड, स्टैटिक डिफ्लेक्शन मेथड। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एनर्जी मेथड के साथ। पहला टॉपिक है एनर्जी मेथड, समझ रहे हो ना भैया जी। एनर्जी मेथड का मतलब होता है कि हम कुछ कुछ करेंगे जिससे कि एनर्जी, सिस्टम की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो काम में आए। तो एनर्जी मेथड पढ़ने से पहले हम देख लें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एक्चुअली तो हम नेचुरल वाइब्रेशन ही पढ़ रहे हैं ना यार, नेचुरल वाइब्रेशन। तो नेचुरल वाइब्रेशन में हमने क्या क्या अजम्पशन माने थे, याद करें आप। डैम्पिंग इक्वल्स टू ज़ीरो, और हमने एक और चीज़ मानी थी कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डैम्पिंग इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू ज़ीरो,
तो काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा था हमारी बॉडी से एनर्जी का, वो जीरो इतना तो समझ में आता होगा यार। फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन से हमारी एनर्जी का लॉस होता है। सपोज कोई बॉक्स है, बॉक्स को आप एक प्लेन सरफेस पर खींच रहे हैं एंड बॉक्स को आप एक रफ सरफेस पर खींच रहे हैं, ठीक है। ये प्लेन सरफेस है फॉर एग्जांपल एंड ये रफ सरफेस है। तो यार इतना तो पता है कि प्लेन सरफेस पे आप आसानी से खींच सकते हैं और उतना ही फोर्स लगाएंगे तो इसमें नहीं खींचेगा। कारण क्या है कि यदि आप प्लेन सरफेस कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का मतलब कोई एनर्जी उसको इम्पार्ट कर रहे हैं, एनर्जी पूरी की पूरी प्लेन इसके बॉडी के मूवमेंट में जा रही है। यदि वही एनर्जी आप रफ सरफेस पे लगा रहे हैं बॉडी में, तो वो एनर्जी कहाँ डिसिपेट हो जा रही है? फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करने में डिसिपेट हो जा रही है। तो इस बात से आपको ये तो समझ में आता है कि फ्रिक्शन फोर्स से हमारा एनर्जी का लॉस होता है। फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं भाई, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एक, एंड एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जिसमें बॉडी मूवमेंट नहीं करती है बट हम फोर्स लगाते हैं ताकि बॉडी मूव कर जाए। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बॉडी मूव करती है बट स्टिल उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। ऑब्वियसली सरफेस खुरदरी है, सरफेस रफ है, तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। तो दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? वैल्यू एक्चुअली स्टैटिक की थोड़ी ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे तरह का कर्व बनता है, ऐसे एंड ऐसे होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की ज़्यादा होती है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ए वेरिएबल फ्रिक्शन व्हाइल काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ ए फिक्स्ड वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन की फिक्स वैल्यू होती है एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। म्यू क्या है? फ्रिक्शन कोफिशियंट। एन क्या है? नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है। नॉर्मल फोर्स क्या लगता है कि सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है तो सपोज जैसे ये एम जी वेट है तो फ्रिक्शन सॉरी सरफेस उस पर उतना ही नॉर्मल लगा रही है इक्वल्स टू एम जी। तो ये नॉर्मल फोर्स है एंड ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है। चलिए उस सब डिटेल में हम अभी नहीं जाते हैं, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि फ्रिक्शन फोर्स से एनर्जी का लॉस होता है जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नेचुरल वाइब्रेशन में हमने अजम्पशन माना है कि डैम्पिंग जीरो। डैम्पिंग जीरो बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो, काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो बोले तो एनर्जी लॉस जीरो ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेज भी जीरो हैं तो और किसी तरह का एनर्जी लॉस भी खत्म हो गया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको टोटल एनर्जी को ऑफ सिस्टम को हम बोल देते हैं सपोज ई। यदि कोई चीज़ कांस्टेंट है तो डी ई बाई डी टी तो जीरो ही रहेगा। अब आप बोलेंगे भाई, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे दिमाग में और बोलेंगे कि यार ये टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहती है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? यही तो कहता है टोटल एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन मेरे भाई ये समझने की कोशिश करो कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, बट कैसे कांस्टेंट रहेगी? हम कोई भी मास है, मास ये सपोज स्प्रिंग है एंड सपोज एयर में रेजिस्टिव फोर्स हो रहा है, तो यहाँ पे इस मास के पास जितनी भी एनर्जी थी उस एनर्जी से मूवमेंट कर रहा है ऊपर नीचे, बट कुछ एनर्जी लॉस होगी यदि यहाँ पे डैम्पिंग प्रेजेंट होगी। डैम्पिंग प्रेजेंट होगी तो मतलब कुछ एनर्जी डैम्पिंग को दे देगा। यदि हम देखें तो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रही ना, यूनिवर्स में तो कोई चेंज नहीं आया, ना तो एनर्जी क्रिएट हुई ना तो एनर्जी खर्च हुई, सॉरी खर्च से मतलब ना तो एनर्जी ख़त्म हुई, तो यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रही। लेकिन यदि मैं सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम ने तो एनर्जी बाहर दे दी, सिस्टम ने एनर्जी बाहर दे दी, इसका मतलब क्या? सिस्टम की एनर्जी तो कम हो गई। तो उसी बात को हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बात नहीं है, यहाँ पे हमारे अजम्पशन की बात है, जो अजम्पशन कहता है कि डैम्पिंग जीरो है किसमें? नेचुरल वाइब्रेशन में। उसके कारण हम लिख सकते हैं डी ई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। और इसी डी ई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो को मान के आप देखेंगे कि हम कितने टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। बट बिफोर वी टच एनी टफ क्वेश्चन, हम वही वाला सिस्टम जो नेचुरल वाइब्रेशन में हमने सबसे एलिमेंट्री सिस्टम माना था, कौन सा माना था? ये सीलिंग, ये स्प्रिंग, ये मास, एस इसकी स्टिफनेस। तो अब हम देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सेम नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम की, नेचुरल वाइब्रेशन की सेम इक्वेशन आएगी। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सबसे पहले हम ये लिखते हैं। तो टोटल एनर्जी, इसमें कितने तरह की एनर्जी होंगी? सपोज ये मीन इक्वेशन, मीन पोजीशन है, इससे हमने एक्स नीचे की तरफ इसको डिस्प्लेस करा, तो सबसे पहले स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। किस वजह से आ गई? इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके कारण स्प्रिंग को खींची, खींची मतलब इसने
पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली, उस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू होगी हाफ एस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, प्लस एम कुछ एक्स डॉट से मूव कर रहा है, हमको पता नहीं डायरेक्शन क्या है, बट अभी इनिशियल डायरेक्शन हम मान लेते हैं नीचे की डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन से वैसे भी एनर्जी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट हम सपोज मान लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्स है उसी डायरेक्शन में एक्स डॉट भी है, तो हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि एम की पोजीशन में चेंज हुआ है, तो एम की पोजीशन में चेंज के कारण एम की पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट हमने एम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज को इसलिए निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि एम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगी एम जी इंटू एक्स, और एक्स में जो एम जी के कारण इनिशियल जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो भी क्या थी, एस एक्स इंटू एक्स आई, एस एक्स आई इंटू एक्स आई, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जैसे हमने डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल करते टाइम क्या करा था, ये एम है, हम फोर्स मेथड की बात कर रहे हैं, डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल करते टाइम क्या करा था, यहाँ पे सपोज हमने मान लिया था एस एक्स फोर्स लग रहा है, एम जी को निग्लेक्ट कर दिया, एस एक्स आई को निग्लेक्ट कर दिया, तो बोल दिया एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हमने डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल में करा था, तो सिमिलर हम आगे से यही करेंगे, हम एस एक्स आई और एम जी को कभी लिखने नहीं वाले, तो ये हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू हो गई, ये स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई, ये जो ब्लॉक है उसकी मास ब्लॉक है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमने एक चीज़ देखी थी, यदि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो डी ऑफ ई डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, यदि एग्री करते हैं आप यहाँ तक तो आगे बढ़े अपन, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है, यार नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिवाइंड करके देखो मैंने क्या बोला, ठीक है। तो चलो, यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को टू एक्स डी एक्स बाई डी टी, प्लस इसको यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, हाफ इंटू एम इंटू टू वी डी वी बाई डी टी, ये जीरो है तो हम टू से टू कट गया, टू से टू कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस डी एक्स वाई डी टी, क्या होती है वेलोसिटी, एक्स डॉट लिख दिया, एम इंटू वी इंटू डी वी वाई डी टी, क्या होता है डी वी वाई डी टी को हम लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट या फिर वी डॉट या फिर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक्स डॉट क्या है, वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बची, एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स। अरे वाह भाई, ये तो जादू हो गया, हमारा फोर्स मेथड से भी यही चीज़ आई थी, नेचुरल वाइब्रेशन की इक्वेशन, एंड एनर्जी मेथड से भी हमारी यही इक्वेशन आई है, वाह भाई, और वो तो होना ही था यार, हम चार तरफ से हम एक चीज़ को देखने जाएँ, ठीक है, यदि चीज़ वो सेम है तो वो तो सेम ही होगी ना, उसी तरह से यदि हम फोर्स मेथड से निकालें, एनर्जी मेथड से निकालें, आगे टॉर्क मेथड से निकालेंगे, आगे स्टैटिक डिफ्लेक्शन मेथड से निकालेंगे, यदि हमारा सिस्टम सेम है, यदि हमारे एलिमेंट सेम है, यदि हमारा मास सेम है, यदि हमारी स्टिफनेस सेम है, तो इक्वेशन अलग कैसे आ सकती है, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन हो गई, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर रूट एस बाई एम, यहाँ पे भी हमने निकाल लिया, तो हमारा दो मेथड्स क्लियर हो गए, कौन कौन से मेथड्स, वन इज फोर्स मेथड एंड अनदर वन इज एनर्जी मेथड। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हम फोर्स मेथड में क्या होता है, एनर्जी मेथड में क्या होता है, फोर्स मेथड में हम या तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं या तो डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल लगाते हैं, किसके लिए, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो करने के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम और उस पर जितने भी नेट फोर्सेज हैं उन सबको इक्वल टू जीरो करेंगे, तो उससे जो इक्वेशन आएगी वो नेचुरल सिस्टम की इक्वेशन आएगी, या फिर डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल लगा देते हैं, डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल भी सेम है न्यूटन सेकंड लॉ की तरह, उसमें भी हम नेट फोर्सेज को जीरो करते हैं। एनर्जी मेथड में क्या होता है, एनर्जी मेथड में हम सिर्फ नेचुरल वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, अभी नेचुरल वाइब्रेशन में हमने क्या माना, डैम्पिंग नहीं है कुछ भी हमारे सिस्टम में डैम्पिंग नहीं है, कुछ भी अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है, तो हमारा सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो लॉस ही नहीं होगी, लॉस नहीं होगी तो टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी तो हम डी ई वाई डी टी को जीरो कर देंगे, जैसे ही हम डी ई वाई डी टी जीरो करेंगे तो हमारे पास नेचुरल सिस्टम की नेचुरल वाइब्रेशन की इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन से हम ओमेगा एन निकाल लें या फिर कुछ और पूछ रहा है वो कुछ और निकाल के दें उसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये नेचुरल वाइब्रेशन का एनर्जी मेथड समझ में आया होगा,
यदि आपको स्टिल इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और यार फिर से कह रहा हूँ मैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को और इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं और अच्छा काम करूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी टू इम्प्रूव और टू इंक्लूड एनीथिंग एल्स, प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।